जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की, परम प्रिय आत्मा और श्री गुरु महाराज जी के नन्हे मुन्ने बाल गोपालो, आज हम एक बहुत झंझट में फंसे हुए हैं और वो झंझट ऐसा विचित्र है कि समय के माहौल को देख के हर व्यक्ति परेशान है। कहीं आ गई कोरोना, कहीं आ गई टिड्डियां, कहीं आ गया बॉर्डर, कहीं आ गया चाइनीज का जंग, और कहीं कुछ तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इन सारे माहौलों को देखते हुए जीव का जो हृदय है ना, बहुत हल्का हो जाए। डॉक्टर कहते हैं ह्यूमिनिटी बढ़ाओ, पर हालातों को देखते हुए लगता है हमारी जो ह्यूमैनिटी या कह लो या दिल पावर कह लो, बहुत अजीब होती चली जा रही है। क्योंकि व्यक्ति के जो हाव भाव हैं इतने अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं कि वो किसी की कोई भी बात को ढंग से सुन नहीं पा रहे। इतिहास साक्षी है, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का मैदान लाल हो गया, उसके पीछे कारण केवल एक ही था कि छोटा सा द्रौपदी ने मजाक कर दिया था। हालांकि कौरवों पांडवों की शुरू से ही बीच में लगी रही, पर वो उनको जो मौका मिला, एक छोटा सा मजाक अंधे के अंधे, या ये कह लें कि होनी बलवान है, या ये कह लें कि हमको सोच समझ के कुछ कहना चाहिए, क्योंकि दिल सब ऐसे ही हैं। पहले तो गुप्त चुप चलती थी बात, ये बात कहने के बाद चौड़े में आ गई, और इतनी आई इतनी आई इतनी आई कि दुख सहते 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 अथाह दुख सह गए। उसके बाद भी कुरुक्षेत्र का मैदान, उसको देखा जाए तो उसकी जो नींव है सिर्फ एक छोटे से मजाक के ऊपर टिकी हुई है, अंधे की अंधी बात। आप सबको पता ही होगा इन्होंने चूड़ी बेचने वाले का रूप, मनिहारी का रूप क्यों बनाया था। इसके पीछे भी एक छोटा सा मजाक है। एक बार बहुत पहले छोटे छोटे थे, राधा जी और कृष्ण बंसीवट पे मिला करते थे। अब ऋषभानु जी भी कोई कम छोटे बाप के नहीं है, वो भी बड़े सेठ हैं, अपने समय के बड़े राजा रहे हैं, और नंद राय भी कम नहीं है। तो ऋषभानु जी की जो लली थी राधा जी, ये हर बार नए नए ढंग का श्रृंगार करके आती थी। कभी मोतियों की माला पहनने, कभी सच्चे मोतियों की, कभी रंग बिरंगे की, कभी हीरों की, तो कभी कैसे कभी कैसे कैसे, कभी बजंती माला भी पहनती थी। एक बार होनी बलवान, या फिर कह दो कि वो भगवान भी ये दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी उस समय की कही हुई बात गड़बड़ भी हो जाती है। तो इन्होंने जो है क्या किया, जो राधा जी ने बहुत सुंदर सा मोतियों का हार पहना हुआ था, उस हार को देखने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया कि राधा जी ने पहना हुआ है तो मैं उसको देखूं कि ये कैसा है। तो राधा जी ऐसे पीछे को बोली और बोली, ये बहुत कीमती है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, इसको छू सको। मजाक चलता रहता, सब में चलता, उनमें भी चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखने में क्या, देख ही तो रहा हूँ, देखा दे कैसा है, देख लेते हैं कैसा है तेरा बड़ा कीमती हार। कहते नाना, अगर ये टूट गया, राधा जी के मुंह से एक
बात निकल गई जैसे द्रौपदी के मुंह से निकली थी, अंधे की अंधी औलाद वो भी बड़ों पे चली गई थी, इधर राधा जी के मुख से भी एक बात निकल गई, कहते ये इतना कीमती है, अगर नंद बाबा और यशोदा बिक भी जाएंगे ना तो भी इसकी कीमत ना दे पाएंगे, ये बात पिंच कर ले। उसके बाद काफी समय तक एक सच्चे प्यार की निशानी होती, तू मैं नहीं करना, कहा तेरी माँ और मेरी माँ और ये और वो, झगड़ा नहीं किया, वो दुर्योधन वाला हाल नहीं किया गया, यहाँ पे दोनों ही समझदार थे। तो भगवान चुपचाप अपने नंद भवन की ओर पर चले और कई दिनों तक आए नहीं, जमुना तट पर कई दिन तक नहीं आए। राधा जी आती कुछ समय तक, देखती नहीं आए, फिर चले जाती, धीरे धीरे काफी समय देखा वो भी नहीं आ रहे हैं, फिर उसने भी आना बंद कर दिया, उनको भी महसूस हुआ लगता उसको बात लग गई। तभी अब वो अपने उधर बंद पड़े हैं, अपनी मस्ती में हैं, और राधा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और राधा जी तो राधा जी ठहरी, वैसे भी कहते लड़कियों के आंसू बड़ी तेजी से टपकते हैं, तो इनको अगर इनके माता पिता तक पूछते ना बात क्या, और जोर से रोती, तो उन्होंने पूछना भी बंद कर दिया, चल चुप तो है कम से कम। खैर काफी समय ऐसे बीता, बीच में देवऋषि नारद आ गए, नारद जी आए, विश्वानु जी से कहा क्या बात है, घर में ऐसे सन्नाटा कैसा छाया हुआ है, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ऐसे सिवा तो पता नहीं क्या हुआ, राधा ना तो बोलती है, ना किसी से बात कर रही है, ना हंस रही है, ना खेल रही है, अपने आप को उसने कमरे में, देवऋषि तो देवऋषि ठहरे। देवऋषि ने कहा ऐसा है, जब लड़कियां ऐसे गुपचुप हो जाए ना तो समझो वो शादी के लिए इशारा कर रही है, तो तुम ऐसे करो उसकी शादी करवा दो। विश्वानु जी ने कहा हाँ शादी तो करवा दे, पर शादी के लिए लड़का भी तो हो, किसके साथ करवाना? नारद जी बोले वाह विश्वानु जी हद कर दी, बगल में छोरा गांव डंडोर है, वो नंद बाबा का छोरा किस काम आएगा, वो है ना, हाँ चोर है, मक्खन की चोरी करता है, मटकियां फोड़ता है, वस्त्र चुराता है, मान लिया चोर है वो, पर देखो यहाँ पे क्या है, लड़की और लड़कों में लड़की जब थोड़ी समझदार हो जाती है ना तो कहते हैं अब ये शादी के योग हो गई है, और लड़का जब बिगड़ैल हो जाता है ना तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी, सुधर जाएगा, क्या संविधान बनाया गया। और हुआ यही, उन्होंने जो है ये सोचा चलो बात तो सही कह रहे हैं नारद जी, एक निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण पत्र खाली तो भेजेंगे नहीं, साथ में कुछ शगुन भी जाएगा, तो 108 थाल भर के, किसी में मिठाई जैसे ये लोग छठी वटी पे आप लोग लाते हो सब लोग, तो ये तुम्हारी छठी वटी की तरह, जैसे कोई फल ला रहा है तो कोई कपड़े ला रहा है तो कोई कुछ ला रहा है कोई कुछ, इसी तरह से जो 108 थाल, किसी में वस्त्र, किसी में खिलौने, किसी में कंबल, तो किसी में रजाई, तो किसी में कोई मिठाई, तो किसी में फल, किसी में ड्राई फ्रूट, इस तरीके से 108 थाल जाने, 108 में 107 थाल तो इन सब चीजों से धीरे धीरे भर गए, 108वां थाल खाली था, वो नहीं समझ में आया उसमें क्या भरे, तो माता कीर्ति जी ने सोचा हमारे यहाँ मोती होती बहुत पड़े हैं, ये मोतियों से भर देते हैं, मोतियों से भर दिया, कपड़े से ढक दिया, शगुन चला गया, चिट्ठी पे लिख दिया अगर ये रिश्ता स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र भी लिख के भेज दिया, जो दूत लेके गया वो पहुंच गया। अब वो 108 रखे थे बड़े लाइन से, और इनको तो पता ही है ना कौन से थाल में क्या, इनसे कुछ छिपा भला है, तो 108 थाल पूरे के पूरे रखे हुए थे, तो नंद राय जी के पास चिट्ठी पहुंची, वो चिट्ठी विट्ठी देख रहे हैं, जब तक उधर चिट्ठी देख रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं तब तक भाई साहब ने काम किया, जो मोतियों का थाल था उसमें से थोड़े से ऐसे मोती चुराए और चुरा के ले गए, सिर्फ मोती मोती और किसी को कुछ नहीं किया, मोती चुरा के ले गए। अच्छा अब जो है पत्र के बाद शगुन खोले गए तो सब देखा गया, तो देखा ये मोतियों के थाल के बीच में खड्डा सा क्या बना हुआ है, ये क्या मसला है, तो पूछा गया ये किसने निकाले हैं,
वहाँ यशोदा ने कहा पहले घर के चोर से तो पता कर लो, बाहर के चोर तो बाद में देखा जाएगा, पहले घर के चोर से तो पता किया जाए। उससे पूछा, हाँ बे काना यहाँ से तूने मोती उठाए हैं? हाँ उठाए मैंने। नंद बाबा हैरान, ये पहली बार में कैसे मान गया? ये तो नहीं, मैंने माखन नहीं खाया और मैंने चोरी नहीं की, उसने कह दिया, उसने कह दिया, एक ही बार में मान गए? कहते हाँ हाँ मैंने चुराए। बोले किस लिए? कहते मोतियों की खेती करूंगा। नंद बाबा ने कहा इसका कुछ पता नहीं, जो गोवर्धन उठा सकता है कुछ भी कर सकता, मोतियों की खेती का हीरे भी पैदा कर सकते, हाथियों की भी खेती कर सकता, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते ना बाबा मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो आप मैं लेके चलता हूँ। और बाबा को पकड़ के ले गए, पीछे बाड़े की तरफ को दिखाया, तो वहां पे मोतियों के पेड़ लगे हुए थे, खूब मोती भरे पड़े एकदम। और इधर जो है नंद बाबा ने क्या कहना, भाई कर ले तू जो तेरी मन चाहे। अब रिश्ता कबूल हो गया इधर से, और इधर से जो है स्वीकृति पत्र लिखा। अब बात आई कि शगुन वापस में क्या भेजे, वापसी में शगुन में 108 वहां से तो भर के आगे, किसी में मिठाई तो किसी में कुछ, हम इधर से क्या डालें? तो बाबू जी हमारे कन्हैया जी कहते हैं, बाबा शगुन मैं बताऊं, वो जितने मेरे मोती है ना पूरे 108 के 108 थालों में मोती ही भर दो और कुछ नहीं देना। अपने वहां से लिए, माया से इतना सारी रचना रचाई गई थी, पूरे के पूरे 108 के 108 थाल मोतियों से भर दिए, कपड़े से ढक दिए, शगुन चला गया। धीरे धीरे उधर राधा जी भी निकलाई अपने को भवन से बाहर, ये तो अपना वैसे ही मस्त थे। अब जब स्वीकृति पत्र पढ़ा विश्वभानु जी ने, वो तो खुश हुए, ये भी खुश हुई, राधा जी भी। तो राधा जी ने के सामने जब ये रुमाल उतारे गए थालों पे, एक को उतारा मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, चौथे में मोती, पांचवे में, 108 के 108 थाल मोतियों से भरे हुए। राधा जी बड़ी दुखी हो गई थी कि मेरे उस सवाल का जवाब इन्होंने इस ढंग से भेजा है कि मेरे कीमती इतना है कि जो मैंने पेरेंट्स के लिए बात कही, माँ बाप के लिए बात कही। अब जो उनका दिल दुखा हद से ज्यादा, अब वो एकदम से गुमसुम सी ऐसे हो गई, छुई मुई सी, अंदर कमरे में चली गई। तब वृषभानु जी ने घोषणा कर दी कि आज अगर कोई राधा के चेहरे पे हंसी ले आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब ये बात तो चलनी थी, चली तो चली, थोड़ी जमुना पार भी कर गई, बरसाने से जो गोकुल तक भी पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो कन्हैया ने सोचा कि तो मामला बिगड़ गया, ठीक है रुसा रसी हो गई, पर अब तो हमारी रिश्तेदारी बन रही है तो थोड़ा तो करना चाहिए। पर कहते ऐसे जाऊं तो जाऊं कैसे, अगर मैं ऐसे ही उठ के चल पड़ा, क्योंकि मुझे मुंह मांगा इनाम भी तो चाहिए, और अगर मैं ऐसे ही चल पड़ा तो दाऊ जी कहेंगे देखा जोरू का गुलाम अभी रिश्ता नहीं तय हुआ, उठ के चल पड़ा। नंद बाबा अपने सुनाएंगे, यशोदा मैया अपने सुनाएंगी, अब उनके दिमाग सेट नहीं हो रहा, क्या मैं करूं तो करूं क्या। बस वहां पे यशोदा मैया के कपड़े पड़े थे, वो कपड़े इन्होंने पहने और खूब सारी चूड़ियां उठाई, और चूड़ियां बेचने के बहाने से वहां पे गए। और किशन जी ने हरी चूड़ी ले लो, लाल ले लो, नीली ले लो, पीली ले लो, जैसी चाहो वैसी ले लो, छोटी चाहो बड़ी कर दूंगा, बड़ी छोटी मांगोगे छोटी कर दूंगी, अभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको रूप जो वैसा, और अगर मोटी होगी तो उसे मोटी कर दूंगा, छोटी होगी तो छोटी कर दूंगी, जैसे भी चाहोगे वैसी रंग बिरंगी चूड़ियां, भजन सब लोग गाते ही हो चूड़ी वाला। तो उसके बाद में फिर राधा जी ने आके चूड़ियां पहनी और उनके चेहरे पे हंसी आ। तो क्या है, व्यक्ति का जो जबान है तो कभी कभी कुछ 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 गड़बड़ कर देती है, जिसके कारण हमारा भविष्य अंधकार में चला। इसलिए उस मालिक से हमारी एक ही प्रार्थना है छोटी सी कि ऐ प्रभु ऐसी कर कृपा गुरुदेव, मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना, ऐसा रस रसना
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय श्री नंगली निवासी भगवान की परमहंस दयाल महाराज की जय घट घट वासी भगवान की जय।